सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, पूरी दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर 7 दिन में 2 दिन मिनी वेकेशन आता है, 5 दिन ही काम करना होता है, और 5 दिन में भी हर दिन आपको 6 घंटे देने हैं, यानी कि 2 दिन का मिनी वेकेशन, 5 दिन काम करना है, सबसे कम टाइम देना है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू अदर बिजनेस सबसे ज्यादा आरओआई आपको ये बिजनेस देकर जाता है, तो वो है स्टॉक मार्केट। फिर भी स्टॉक मार्केट का एक दूसरा चेहरा यह भी है कि सबसे ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में लॉसेस करके ही जाते हैं। अब लॉसेस करने के पीछे मेंटालिटी ये होती है कि उन लोगों को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए होता है, यानी कि उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग गेम है। अब ये जब तक मेंटालिटी आपके दिमाग से हटेगी नहीं, तब तक स्टॉक मार्केट आपको प्रॉफिट देगा नहीं। अब ये मेंटालिटी हटाने के पीछे एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एग्जाम्पल ये कि आप लोग ये सोचे कि स्टॉक मार्केट में काम कर रहे लोगों में से कौन सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। आप ब्लॉग्स पढ़ते होगे, आप कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे होगे, एनालिसिस कर रहे होगे, रिटेल ट्रेडर ऑलवेज यहां पर लॉस करते हैं, तो ये आपको रिकॉर्ड में देखने को मिलेगा। अब यहां पर प्रॉफिट कौन करता है वो देखिए, प्रॉफिट करते बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े लार्ज फंड लेकर काम करने वाले लोग। तो वो लार्ज फंड लेकर काम क्यों करते हैं? लार्ज फंड लेकर काम करने के पीछे का मकसद ये होता है कि यहां पर एक डिसेंट आरओआई जनरेट करना होता है, और स्टॉक मार्केट का डिसेंट आरओआई अदर बिजनेसेस से बहुत ज्यादा होता है। तो बड़ा पैसा लगाकर छोटा छोटा हर दिन प्रॉफिट बुक करना होता है, और ऐसा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं कि सालों साल के बाद इतना बड़ा अमाउंट आपको दिखेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या काम करने की शुरुआत 1-2 करोड़, 5 करोड़ से ही होती है? बिल्कुल नहीं। आप छोटे कैपिटल के साथ भी काम कर सकते हैं। वही चीज जो मैं आपको सिखाता हूं, और उसका नाम है ऑप्शन हेजिंग। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े लार्ज ट्रेडर जो बड़ा फंड लेके काम करते हैं ना, वो कभी ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को हैज करके डिसेंट रिटर्न काम अर्न करने का काम करते हैं। शुरुआत छोटे से होती है, परिणाम बड़े बड़े होते हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको ऑप्शन बाइंग में ही पड़े रहना है या फिर ऑप्शन हेज करना है, क्योंकि ऑप्शन हेजिंग ही आने वाला फ्यूचर है। मैं बार बार कहता रहता हूं कि ऑप्शन हेजिंग से ही प्रॉफिट बनेगा, ऑप्शन हेजिंग ही आने वाला फ्यूचर है। कहीं पर भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, ऑप्शन बाय कर लीजिए, आना तो ऑप्शन हेजिंग में ही पड़ेगा अगर स्टॉक मार्केट में टिकना है तो। और एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन हेजिंग वन एंड ओनली एंड लास्ट ऑप्शन है प्रॉफिट कमाने का। सोच विचार कर लीजिएगा ताकि आने वाली लॉसेस से आप बच सके।